जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिलोफोम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो एक बार कमेंट कर दीजिए। नाइन्थ यूनिट आज हमारा स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को देखेंगे कि भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए जो चार चरणों में हुए हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। प्रिया गुड मॉर्निंग बहन, शुभ प्रभात आप सभी को। जुड़ जाइए एक बार। जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग न्यू अपडेट आपको मिलते रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट होती है। और फिल फॉर्म पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो हैं। इसके अंदर आप पेपर फर्स्ट परचेज करते हैं थ्योरी के लिए, तो आपको 1999 पे करना होता है। अगर आप पेपर फर्स्ट सेकंड लेना चाहते हैं ओनली, तो उसके लिए भी आपको 1999 ही पे करना रहता है। अगर आप कॉम्बो चाहते हैं तो आपको 2999 पे करना रहता है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा फिल फॉर्म के हर बैच पर। तो आप जा सकते हैं नजदीकी अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर से आप अपने फोन का जो प्ले स्टोर है तो उसे डाउनलोड कीजिए फिलोफॉर्म ऐप को, और वहाँ से इसको अपना रजिस्ट्रेशन करके और लॉग इन करके यहाँ पर बैच में आ सकते हैं। तो एक बार कमेंट कर दीजिए सभी, मुझे पता लग जाएगा कि क्लास के अंदर है कौन कौन। अंजलि गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलो, तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो यूनिट 9 के अंदर है, जिसके अंदर हम राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसमें भारतीय आंदोलनों चार पार्ट्स में हम इनको देखते हैं, लेकिन अलग अलग टॉपिक के अंदर ही देखते हैं उनको, अलग अलग टॉपिक के अंदर ही हम इनको देखते हैं। पहला जो प्रथम चरण जो रहता है, प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905, यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन तक का, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा जो पार्ट देखते हैं 1905 से लेकर 1906 से लेकर 1916 तक। गुड मॉर्निंग चंपा बहन, गुड मॉर्निंग। ये जो काल रहता है हमारा उदारवादी काल इसको कहा जाता है, उदारवादी काल इसे कहा जाता है। ये जो काल रहता है इसे उग्रवाद कहा जाता है, उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद की संज्ञा से दी जाती है। ठीक हो गया बहन, अच्छा गया। इसे क्या कहा जाता है, इसे उग्र राष्ट्रवाद की संज्ञा से दी जाती है। तृतीय जो तीसरा चरण जो आता है उसे क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रांतिकारी आंदोलन और वामपंथी। वामपंथी और
एक जो चरण आता है चतुर्थ चरण, ये 1919 से लेकर 1942 तक ये समय रहता है। अंतिम जो चरण आता है, अंतिम चरण जिसको नाम दिया गया 1942 से लेकर 1947 तक का, स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर, ये चीजें हमें पढ़नी रहती है। इतनी चीजें समझ में आ गई। जो उदारवादी काल है इसको हम कांग्रेस के साथ पढ़ेंगे, तो आज मैं उग्र राष्ट्रवाद की शुरू करूंगा और उग्र राष्ट्रवाद को देखते हैं कि हम कहां तक लेकर जाते हैं। मोस्टली मुझे लग रहा है कि सेकंड क्लास के अंदर ही कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमें बंगाल विभाजन पढ़ना है, मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़ना है, सूरत अधिवेशन, लगभग 10 मेजर टॉपिक्स हमें करने हैं। दिल्ली दरबार हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, लखनऊ पैक्ट हो गया, मॉन्टेग्यू की घोषणा हो गई, रोल टैक्ट तक आज तक की हम चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे। तो एक बार जुड़ जाइए, फिर क्लास को शुरू करेंगे। और आप कमेंट कर दीजिए क्लास को शुरू करने के लिए। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास था। क्या था, किसके लिए लिया गया था भाई निर्णय, किसने लिया था? लॉर्ड कर्जन ने लिया था। किस क्यों लिया था? भारत के जो राष्ट्रवाद है उसको कुचलने के लिए। बंगाल विभाजन की पहली बार सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1903 में की गई थी। अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कब की गई थी, तो ये 3 दिसंबर, सॉरी दिसंबर 1903 में की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत का सांप्रदायिकता के आधार पर 1905 में विभाजन कर दिया था। क्या कह क्या बोला गया परमदीप? ठीक हो, कैसा गया आपका एग्जाम परमदीप? तो 1905 में बंगाल विभाजन ने किया, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा कि जो चीजें हैं, यानी बंगाल जो है वो एक विभाजन, उसका ज्यादा एरिया है और उसको वहां पर वह शासन करना आसान नहीं है। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल प्रांत का सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन कर दिया। विभाजन का सरकारी तर्क यह दिया था कि प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किसके आधार पर किया? सांप्रदायिकता के आधार पर। लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता, अगर सरकारी तर्क देखें, सरकारी तर्क जो सरकार को तर्क दिया इसने, सरकार को तर्क दिया कि प्रेजिडेंसी, जो बंगाल प्रेजिडेंसी है वो बड़ी है और उसके ऊपर अलग अलग रूप में उसके बांट कर शासन कर सके, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, द डिस्कशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एन अटेम्प्ट बाई लॉर्ड कर्जन टू क्रश इंडियन नेशनलिज्म। द फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज मेड इन दिसंबर 1903। लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड द बंगाल प्रोविंसी ऑन कम्युनल लाइन्स इन 1905। नहीं, 20 22 को दो, 2 अक्टूबर का था। विभाजन से पहले बंगाल में पश्चिम बंगाल विभाजन से पहले बंगाल में क्या क्या चीजें थी? पश्चिम बंगाल था, बांग्लादेश था, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे। बिफोर पार्टीशन बंगाल इंक्लूडेड द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल विभाजन के बाद ढाका चटगांव क्षेत्र को बंगाल से अलग करके असम के साथ मिला दिया। देखो, विभाजन से पूर्व यानी विभाजन से पहले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र इसमें शामिल थे। इसमें कितनी संख्याएं थी? इसमें जो वर्ग किलोमीटर था वो 1,89,000 वर्ग किलोमीटर एरिया आता था। जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो इसमें जनसंख्या उस समय 8 करोड़ वास करती थी, 8 करोड़ जनसंख्या उसमें बात करें। विभाजन के बाद चटगांव
राजशाही, ये इलाके का नाम है भाई राजशाही। चट्टगांव राजशाही क्षेत्र को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम के साथ मिला दिया गया, और पूर्वी बंगाल असम नामक एक नया प्रांत बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पूर्वी बंगाल असम। क्या कैस में मिलाया? चट्टगांव राजशाही, राजशाही के बाद पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल असम, असम इसके साथ रखा गया था। तो क्या हो गया इसे, क्या नाम दे दिया गया? पूर्वी असम इसको नाम दे दिया गया, प्रांत बनाया गया, और जिसकी राजधानी ढाका रखी गई। इसकी जो राजधानी थी वो ढाका थी, और दूसरे हिस्से को पश्चिम बंगाल नाम दे दिया गया, जिसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई थी। क्लियर है? कमेंट कीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल द ढाका चिटगो चटगांव राजस्थान सॉरी राजशाही रीजन वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल एंड मर्ज विद द असम। जो चिटगो चटगांव था और जो राजशाही था, उसको बंगाल से सेपरेट करके असम के साथ मिला दिया गया, और एक नया नाम दिया गया, ईस्ट बंगाल फॉर्मड ए न्यू प्रोविंस एंड कॉल्ड असम विद द ढाका, असम एंड ढाका इज इट्स कैपिटल। क्या थी? ढाका इसकी कैपिटल बना दी, और जो अदर पार्ट था उस अदर पार्ट की राजधानी वेस्ट बंगाल उसको नाम दिया गया था, और उसकी जो राजधानी थी वो कलकत्ता बना गई थी। अक्टूबर 16 दिसंबर 1905 को विभाजन लागू किया गया। राव रविंद्र नाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन के समय रविंद्र नाथ टैगोर के ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला बिहार में, शायद बीएड चाहिए भैया, अभी हर हर सेट एग्जाम जितने भी है ना उनमें बीएड मैंडेटरी कर दी शायद, अभी चेक कर लेना ठीक है, क्योंकि अब जब उसको नोटिस निकलेगा ना तभी पता चलेगा उसके नोटिस में क्या कुछ आया है, उसका जो वो डिटेल्ड नोटिस देंगे उसमें लगभग शायद सभी उसमें बीएड मैंडेटरी कर रखा, तो लगभग सभी में। हरियाणा में भी ऐसा था, हरियाणा के अंदर एचटेट लिया जाता था, सेट नहीं हरियाणा का, एचटेट है। तो एचटेट के अंदर यह था कि अगर आप एमए हो तो एमए आप अप्लाई कर सकते हो पीजी पीजीटी के लिए, बट अब क्या कर दिया, अब बीएड मैंडेटरी कर दिया है कि बीएड, अगर आपके पास बीएड ना हो और आप एमए हो तब भी आप पीजीटी के लिए अवेलेबल थे, एलिजिबल थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब कर दिया कि बीएड होना मैंडेटरी है, कि बीएड के विदाउट आप किसी भी फॉर्म को फिल नहीं करोगे। ठीक है, तो ये जब भी वैकेंसीज आएंगी, जब भी फॉर्म आएगा तब उसके जो नॉर्म निकलेंगे उस नॉर्म के हिसाब से हम चेक करेंगे कि किसमें क्या कुछ लाइक कर रहे हैं। अभी क्या कुछ कह सकते हैं उसके बारे में कुछ नहीं। और सेट एग्जाम, बिहार सेट एग्जाम शायद अभी जल्दी आ जाए, क्योंकि नेट के बाद उम्मीद है इसकी दिसंबर के बाद होने की। और शायद दिसंबर के बाद तो इलेक्शंस भी हैं है ना, शायद हरियाणा में तो हैं, बाकी उनका पता नहीं बिहार में होगा या शायद नहीं होगा, चलो वो बाद का मैटर, उसमें बाद में हम चर्चा करेंगे। सरकार ने 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा आम जन तक समझ रखी। उन्नीस जुलाई 1905 को विभाजन की रेखा, क्या रखी? जनता के सामने रखी।
सामने रखी, 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा कर दी। अगर आपसे पूछे कि 20 जुलाई को घोषणा, अगर आपसे पूछे कि घोषणा कब हुई थी, घोषणा उन्नीस सौ पांच को कर दी गई थी। लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। विभाजन लागू किया गया रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। क्या किया गया? रक्षाबंधन मनाया गया, रक्षा दिवस मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस, ठीक है, रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदुओं ने मुसलमानों को राखियां बांधी, मुसलमानों ने हिंदुओं को राखी बांधी। शोक दिवस इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक दिवस। देखो ये शोक दिवस है और एक मुक्ति दिवस आता है। समझ रहे हो? जब संवैधानिक विकास मैंने करवाया था तो संवैधानिक विकास के अंदर मैंने मुक्ति दिवस की चर्चा की थी। तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू किया गया। और विभाजन के ऊपर जैसे अलग अलग इतिहासकार, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने क्या कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या कहते हैं कि बंगाल विभाजन, एक बेहद निर्मम भूल थी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि यह विभाजन हमारे ऊपर वज्र के तरह गिरा, ऊपर एक वज्र की तरह गिरा। वज्र होता है जिसका प्रहार अचूक हो, धराशायी कर देने प्रहार से। वज्र की अगर मैं बात करूं तो वज्र दधीचि ऋषि ददीची ऋषि की हड्डियों से बना है और ददीची ऋषि का संबंध कुरुक्षेत्र से माना जाता है। माना जाता है कि ददीची ऋषि तपस्या के अंदर थे तो भगवान आए और विष्णु भगवान आए तो इनसे क्या मांग लिया कि कोई राक्षस था उस समय तो उसको हराना था, तो उस राक्षस को हराने के लिए सबसे कठोर हथियार की जरूरत थी। तो कठोर, सबसे कठोर हथियार बोल दिया गया कि एक ददीची ऋषि हैं तो उनकी हड्डियां सबसे, उनकी हड्डियों से ही वो वज्र बन सकता है। तो ये गए और बोले कि महाराज हमें आपकी हड्डियां चाहिए। तो अपने शरीर इन्होंने त्याग दिया था एक बार कहते ही मानव कल्याण के लिए। अभी भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना हुआ है, ठीक है, अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905, पार्टीशन वाज इंप्लीमेंटेड अक्टूबर 16 वाज सेलिब्रेटेड एज ए रक्षाबंधन डे एट द बिहेस्ट ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर। नाथ टैगोर रोट दिस फेमस सॉन्ग अमार सुनार बांग्ला एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। दिस सॉन्ग इज स्टिल द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। और इसी के विभाजन के समय, इस विभाजन के प्रखर विरोध के समय, यानी तेजी से जब इसका विरोध हो रहा था, तेजी से विरोध के समय एक आंदोलन का जन्म होता है जिसे जिसे
क्या आंदोलन नाम दिया गया था? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, ये नाम इसे दिया गया था। क्लियर हो? आगे चलते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। उसके बाद पूरे बंगाल में जनसभा की गई जिनमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज फॉर्मली अनाउंस डेट ए मीटिंग इन द टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता ऑन 17 अगस्त 1905 फॉलोड बाई मास मीटिंग अक्रॉस बंगाल इन विच फॉरिजन गुड्स वर बायकॉटेड, बायकॉट किया गया था फॉरिजनर्स जो भी गुड्स थे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी कपड़े बेचने वाले दुकानों पर धरने दिए गए थे। होली ऑफ फॉरिजनर्स क्लोथ्स वॉज बर्न्ड एंड सोप सेलिंग फॉरिजन क्लोथ्स वर पिकेटेड। भारत में नए कपड़े की मिलें थी, साबुन और सिलाई के कारखाने थे, हैंडलूम थे, राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनी खुली। आचार्य पीसी राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टार्स की स्थापना की थी। क्या की थी? आचार्य पीसी राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टार्स की स्थापना की गई थी। उस समय बंगाल के अंदर क्लोथ्स खुले गए थे, इंडियन सोप खोली गई थी एंड सीविंग फैक्ट्रीज थी, हैंडलूम थे, नेशनल पार्क बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी ओपन्ड। आचार्य पीसी रॉय फाउंडेड द फेमस बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर। अब क्या होगा? अब मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। क्या होगी? मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। अक्टूबर 1906 शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधि आगा खां के नेतृत्व में मिला। वहां पर सरकार के प्रति वफादारी प्रस्तुत करते हुए मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करने का आग्रह किया गया। वायसराय मिंटो से आश्वासन प्राप्त करने के बाद पूर्वी बंगाल में मुसलमानों के द्वारा बंगाल विभाजन के समर्थन में सभाओं का आयोजन किया गया और 30 दिसंबर को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्लियर है? अक्टूबर 1906 ए डेलीगेशन ऑफ मुस्लिम लीड बाय दी आगा खान मेट देन वायसराय लॉर्ड मिंटो एट शिमला प्लेडिंग प्लॉइट to the government and using a special status of Muslim in the East Bengal after receiving assures from this Viceroy Minto meeting were organized by the Muslim in support of the partition of Bengal and on 30 December the Muslim League was established under the leadership Nawab Salimullah of Dhaka and Mohsin ul Mulk। तो इसकी स्थापना की गई थी मुस्लिम लीग की 30 दिसंबर 1906 को, ठीक, ढाका के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना किसने की थी, तो इसको लेकर क्वेश्चन को लेकर क्या है, वीरियता देनी हो संस्थापक को लेकर पूछा जाए तो मुस्लिम लीग के संस्थापक को पूछा जाए तो वीरियता का निर्धारण क्रम में, जैसे वीरियता यानी फर्स्ट पे कौन रखना है, सेकंड पे कौन रखना है, थर्ड पे। फर्स्ट पे अगर आपसे पूछे तो इसकी सलीम उल खान, कौन है? सलीम सलीम उल्लाह खान, सेकंड नंबर पे रखना आगा खान,
थर्ड नंबर पे रखना है मोहसिन उल मुल्क। अगर ये तीनों आ जाएं तो सलीम उल मुल्ला खां के हम साथ जाएंगे। अगर तीनों में से एक एक आए तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, तो सलीम उल्ला खां आ जाए। अगर ये ना आए तो आगा खां आ जाएगा, आगा खां ना आए तो मोहसिन उल मुल्क आ जाएगा। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था, सूरत का बंटवारा हो गया था, सॉरी कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। कांग्रेस सूरत सेशन, कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1907 इन विच कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मॉडरेट पार्टी होट पार्टी। ये क्या था भाई, अध्यक्षता को लेकर हुआ था, अध्यक्षता को लेकर यहां पर क्या हो गया था, ये मनमुटाव इनके अंदर आ गया था, मतभेद आ गया था, तो अध्यक्षता के चलते हुए सूरत का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1905 से लेकर 1907 में गर्म पथियों एवं नरम पथियों के बीच व्यापार जो व्यक्त क्या बोलते हैं इसको, पारस्परिक मतभेद ये चल रहा था। 1906 में कोलकाता अध्यक्ष, 1906 में जो नरमपंथी थे ना, नरमपंथी केवल बंगाल तक सीमित थे और गरमपंथी जो थे वो पूरे भारत तक सीमित थे, वो अपने आप को पूरे आंदोलन के अंदर भारत को देखते थे। तो इसी कड़ी में 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर क्या हो गया था, दोनों दल विभाजन के कागार पर पहुंच गए थे। किसको, अध्यक्ष पद को लेकर। अध्यक्ष पद को लेकर विभाजन की तरफ पहुंच गए थे, किंतु दादा भाई नौरोजी जी को अध्यक्ष बनाए जाने पर संभावना टल गई। तो इसमें किसको अध्यक्ष बनाया गया, दादा भाई नौरोजी को। फिर आगे चला जाता है, अगले साल भी तो ना, तो तिलक क्या थे, तिलक इस समय किसको बनाना चाहते थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय को। अध्यक्ष बनाना चाहते थे, बनाना चाहते थे विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अध्यक्ष बनाना चाहते थे कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र नाथ बसु ने, भूपेंद्र नाथ बसु ने दादा भाई नौरोजी को अधिवेशन की अध्यक्षता घोषित कर दी। इन्होंने दादा भाई नारोजी को अध्यक्ष घोषित कर दिया था 1905 के अंदर। दादा भाई नारोजी ने प्रथम बार स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया था। क्लियर है,
1908 में। हाँ बाल गंगाधर। तिलक ने, तिलक को राजद्रोह के मुकदमे में, राजद्रोह के मुकदमे में 6 वर्ष की कारावास सजा सुना दी गई, 6 वर्ष की कारावास सजा सुना दी गई थी। और कहां पर भेज दिया था? मांडेल में, मांडले जेल में इनको भेज दिया था। क्लियर है? ये 1914 में बाहर आएंगे, ठीक है। वो पूछा जाता है कि कई बार कि 1908 में किस निम्नलिखित में से किस एक क्रांतिकारी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चला गया जिसे 8 वर्ष का कारावास सुनाया गया था, तो वो 6 वर्ष का कारावास सुनाया गया था, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना था, भारत में बढ़ रहे उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। इस अधिनियम में भारत के तत्कालिक सचिव, भारत सचिव कौन थे? मार्ले, ठीक है। और वायस राय, मिंटो थे। और इन दोनों के नाम पर ही ये मार्ले मिंटे सुधार आया था। मिंटो ने एक बात लिखी थी मार्ले के लिए, एक पत्र लिखकर भेजा था, और उस पत्र में लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। इसका परिणाम, इसका फल भीषण होगा। ये किसके लिए कहा था? जो भारत के अंदर मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार दिया गया था, भारत में मुसलमानों को पृथक मताधिकार दिया गया उसको लेकर था, ठीक है। और 1911 के अंदर जैसी क्रांतिकारियों की उग्रवादी जो उग्र राष्ट्रवाद की जो भावनाएं बढ़ रही थी क्रांतिकारियों की, तो उसको शांत करने के लिए 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम, राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 पारित किया गया था। पारित किया गया था। और क्या किया गया था इसमें? प्रांतीय जो विधान परिषद थी, प्रांतीय जो विधान परिषद थी, परिषद थी, तो उसकी संख्या, उसकी सीटों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी। क्या कर दी थी?
परिषद की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी, वृद्धि कर दी गई थी। क्लियर है? दिल्ली दरबार क्या है? 3 बार लगेगा भाई। कितनी बार लगेगा? 3 बार दिल्ली दरबार लगेगा। ठीक है, ये तो डाला था मेरे लिए। चलो छोड़, दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए थे। महारानी मेरी नहीं, नाम है मेरी, ठीक है, मेरी, कोई मेरी कोई महारानी नहीं थी, मेरी महारानी, महारानी मेरी, ये क्या है, नाम है। इसमें वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित करने की घोषणा की थी। दिल्ली को राजधानी बनाने की बात कब की गई थी? 1911 में। लेकिन दिल्ली राजधानी बना कब था? 1912 में, ठीक है। लेकिन मूर्त रूप से किस रूप में बना था? दिल्ली की घोषणा की गई थी, लेकिन 1912 में से बना दिया गया। दिल्ली ऑन 12 दिसंबर 1911 राजदरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली, इन विच एम्परर जॉर्ज ऑफ फोर्थ ऑफ इंग्लैंड एंड क्वीन मेरी कम टू इंडिया, इन विच वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड अनाउंस्ड द कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इट वॉज अनाउंस्ड टू शिफ्ट दी कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। और इसी समय हमारा राष्ट्रीय गान भी गाया गया था, ठीक है, क्या गाया था? राष्ट्रीय गान भी हमारा इसी समय गाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918, जो 1914 में पहले विश्व युद्ध शुरू हुआ, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, जापान और अमेरिका भी बाद में उनसे मिले थे। रुक एक मिनट, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, रूस, जापान एक दिशा में, और बाद में ब्रिटेन, अमेरिका भी इनके साथ मिल गया था। दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन जून 1914, इन विच ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूसिया, जापान एंड अमेरिका आल्सो मेट देन। लेटर ऑन दी अदर हैंड जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड तुर्कीज। लखनऊ समझौता 1916, ये आया हुआ था भाई पेपर के अंदर हरियाणा में। लखनऊ समझौता कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल के बीच हुआ था 1916 में। इसमें नरम पंथी और गर्म पंथी दोनों को मिलाने में मिलन हो गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। ये प्रयास हुए थे बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के प्रयासों से इनको मिला लिया गया था। लखनऊ पैक्ट, द लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन दी सॉफ्ट विंग ऑफ द कांग्रेस एंड दी हॉट विंग। इट टुक प्लेस इन 1916। इन दिस बोथ द मॉडरेट एंड द हॉट विंग कम टूगेदर। देर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस।
क्लियर। इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजुमदार थे, ने मुस्लिम और लीग की अध्यक्षता, देखो इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो तो अंबिका चरण मजुमदार थे और मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। द कांग्रेस वॉज प्रेजिडेड ओवर बाई अंबिका चरण मजुमदार एंड द मुस्लिम लीग वॉज प्रेजिडेड ओवर बाई मोहम्मद अली जिन्ना। होम रूल लीग आंदोलन 1916। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की थी। तिलक का लीग आंदोलन का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार, और आंदोलन के समय तिलक जी ने अपना लोकप्रिय नारा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा इन्होंने दिया था होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। ये बाहर कब आए थे? 1908 में गए थे और जेल से बाहर आए थे 16 जून 1914, ठीक है, 6 वर्ष की लंबी सजा काट कर ये बाहर आए थे। और बाहर कहां पर आए थे? पूना आए थे भाई, बाहर आते ही कहां पर आए थे? पूना, ये पूना गए थे। बेलगांव कहां पर है? बेलगांव पुणे में है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होम रूल लीग इन बेलगांव ऑफ ऑन 28 अप्रैल 1916। द वर्क एरिया ऑफ तिलक लीग मूवमेंट वाज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिरार, ठीक है, यहां तक था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उन्होंने अपने संगठन का सचिव जॉर्ज अंडल को बनाया था। इसका मुख्यालय अडयार मद्रास में स्थापित किया गया था। एनी बेसेंट अनाउंस्ड द होम रूल लीग इन सितंबर 1916। सी मेड जॉर्ज अंडल द सेक्रेटरी ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। इट्स हेडक्वार्टर वाज एस्टेब्लिश्ड एट अडयार मद्रास। मोंटेग्यू की घोषणा 1917। मोंटेग्यू भारतीय राज्य सचिव थे। इस पद पर नियुक्त होने के कुछ समय बाद मोंटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 में हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। मोंटेग्यू वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया शॉर्टली आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। मोंटेग्यू मेड एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द एम ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन 20 अगस्त 1977। मोंटेग्यू ने घोषणा की कि सम्राट की सरकार की नीति है कि शासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाए और भारत में ब्रिटिश स्वशासित संस्थाओं को क्रमिक विकास किया जाए। ये कह रहा है कि भारत के अंदर जितने भी सम्राट सरकार, यानी सम्राट जो वहां के शासक हैं, वहां के ब्रिटेन के, तो उनकी सरकार जो है तो उसके शासन में भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी करें और भारत में ब्रिटिश स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास हो सके। मॉन्टेग्यू डिक्लेयर्ड दैट इट इज द पॉलिसी ऑफ हिज मेजेस्टी गवर्नमेंट टू ओबटेन द मैक्सिमम कोऑपरेशन ऑफ द इंडियन इन एवरी पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू ग्रेजुअली डेवलप ब्रिटिश सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। कमेंट कीजिए एक बार। चलो ठीक। अब क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाएंगे। क्या शुरू हो जाएंगे? क्रांतिकारी आंदोलन। रामोसी कृषक दल 1918 में के विद्रोह की समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का सबसे पहले शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ था।
यह क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ वासुदेव बलवंत फड़के के रोमेशी कृषक दल ने किया था। 1889 में इसे किया गया था। इसके जरिए अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बनाई गई थी। और बलवंत वासुदेव फड़के क्या करते थे, जो अंग्रेज शक्तिशाली थे, जो धनी थे, उनको लूट कर इनका धन गरीबों में बांट देते थे। रोमेशी कृषक दल, अकॉर्डिंग द रिपोर्ट ऑफ द रिवोल्यूशन कमेटी ऑफ 1918, द एक्टिविटीज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज इन इंडिया वर फर्स्ट स्टार्टेड इन महाराष्ट्र, वेयर द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वर स्टार्टेड बाई वासुदेव बलवंत फड़के। रोमेशी कृषक दल इन 1879 विद द प्लांट प्लान टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश वॉज मेड। 1890 में इसके पूर्ण विकास से पहले ही सरकार ने इसे बलपूर्वक दमन कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज्य के प्रति प्यार और अंग्रेज विरोधी भावना को जगाने के लिए गणपति त्योहार और शिवाजी त्योहार मनाने और समाचार पत्रों में अनेक लेख लिखे। यानी आपसे पूछे कि गणेश उत्सव किसके कहने पर मनाया गया, किसने शुरुआत की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। शिवाजी उत्सव किसके कहने पर मनाया गया था, बाल गंगाधर तिलक ने जिनकी शुरुआत की थी। इवन बिफोर इट्स फुल डेवलपमेंट इन 1890, द गवर्नमेंट सप्रेस्ड इट्स फोर्सफुली। बाल गंगाधर तिलक सेलिब्रेटेड गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल एंड रोट मैनी आर्टिकल्स इन न्यूज पेपर टू अरोज लव फॉर सेल्फ रूल एंड एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। 1897 में पूना में प्लेग समिति के प्रधान सी रेडे एवं लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने हत्या कर दी थी। बाद में चापेकर बंधु पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। 1897 में प्लेग फैल जाता है भाई, मुंबई प्लेग फैल गया था पूना के अंदर। और क्या हुआ, जो प्लेग समिति थी, जो प्लेग समिति के अध्यक्ष थे रेडे एवं लेफ्टिनेंट आयरट, ये क्या कर रहे थे, इलाज के नाम पर, ठीक है, मिसबिहेव सभी से कर रहे थे, इनकी शिकायतें जा रही थी। तो दामोदर चापेकर ने और बालकृष्ण चापेकर ने, इन दोनों ने हत्या कर दी थी। चापेकर बंधुओं को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया, जिससे 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई। जल्द ही मुंबई, पुणे और नासिक बम बनाने वाले केंद्रों के रूप में उभरे। अगर आपसे पूछे कि बम बनाने वाले केंद्र कौन कौन से थे, मुंबई, पुणे, नासिक। इन 1897 द दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर किल्ड श्री रेंडे एंड लेफ्टिनेंट अरेस्ट हेड ऑफ द प्लेग कमेटी इन पुणे। लेटर द चापेकर ब्रदर्स वर कैच एंड सेंटेंस्ड ऑफ डेथ। वीडी सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर फॉर्मड ए सीक्रेट गैदरिंग मित्र मेला इन 1899 विच लीड टू द फाउंडिंग ऑफ अभिनव भारत इन 1904। अर्ली मुंबई, पुणे एंड नासिक एम्बेस्ड एज बॉम्ब मेकिंग सेंटर। कौन कौन से हैं, मुंबई, पुणे, नासिक, और क्या बन चुके थे, ये बन चुके थे बॉम्ब मेकिंग सेंटर्स। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के उत्पन्न होने में अनेक तत्वों ने भूमिका निभाई थी, जिनमें हम बात करें पंजाब के। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को उत्पन्न होने में अनेक तत्वों ने भूमिका निभाई। इसमें लगातार दो अकालों के बावजूद भी भू राजस्व सिंचाई करों में वृद्धि की गई थी। पंजाब में क्या हो गया, अकाल पड़ गए, अकाल पड़ने के बाद भी भू राजस्व और सिंचाई करों में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। आरोपित बेगार प्रथा और बंगाल की घटना प्रमुख थी। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से पंजाब के लोगों को किसी भी स्थिति में स्वयं के प्रयासों द्वारा विरोध करने हेतु प्रोत्साहित किया था। अजीत सिंह ने लाहौर में एक समिति का गठन किया और लोगों से विरोध करने का आह्वान किया था। यहाँ पर रोक लेते हैं, दिल्ली षड्यंत्र पर, है ना, दिल्ली षड्यंत्र से आगे करेंगे बाद में।
काफी बच्चों को जैसे अभी टाइम हो चुका है और ट्रेन भी है उसकी और किसी को जाना भी है कॉलेज के लिए। तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू अंजलि। सुमित्रा ओके आ चुका है सभी का लगभग। चलो एक बार कमेंट कर दीजिए। अमेजिंग क्लास। थैंक यू परमदीप बहन बहुत बढ़िया। थैंक यू चंपा बहन। थैंक यू अंजलि अमेजिंग क्लास। थैंक यू। थैंक यू सुमित्रा सो अमेजिंग क्लास सर। थैंक यू। सरे जानदार। अरे मुगल काल के अंदर होते ही है, करवाया तो था प्रशासन उनका। प्रांतीय प्रशासन के अंदर आएंगे सरे जानदार, चेक करना उसके अंदर, मैंने लिखवा तो रखा ये। मिलता जुलता वर्ड मिल जाएगा वहां से, एक बार चेक कर लेना उसको। हाँ उपाधि विभाग थे ये सरे जानदार और उपाधियां भी थी। ठीक है तो अब ये ऑप्शन से पता चलेगा कि उसने उपाधि को पूछा है या फिर विभाग विभाग के बारे में पूछा है। मैचिट में है। अरे मैचिट के क्वेश्चन तो इतने आसान आते हैं ना, इतने आसान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ओके ओके चलो ठीक है तो मैचिट से हो जाएगा। आप ना देखो मैचिट के क्वेश्चन होते हैं ना ज्यादा सोल्व नहीं करने होते। अगर मान लीजिए 5 हमें मैच करने और आपको 2 आते हैं तो उन दोनों से भी क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। और कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर सिर्फ आपको एक भी आता है ना तो उसे एक से भी निकल जाते हैं मैचिट के। तो ठीक है चलो तो फिर जी अंजलि मैचिट या तो पूरा डिफिकल्ट आएगा कि प्रदीप आप अकेले नहीं हो, वहां पर बैठे हुए हर बच्चा एवरेज क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन उसको जो उसके उसे आते हैं वो उसके क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है एवरेज क्वेश्चन निकालते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन उनके गलत होते हैं। घबराना नहीं है ना, तो इतनी ज्यादा हाईएस्ट लिस्ट जाएगी ऐसा कुछ नहीं रहेगा, अराउंड 68 के आसपास हमारी लिस्ट रहेगी। हम वो भी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है। और ज्यादा अपना टाइम यूट्यूब पर स्पेंड मत करना आंसर की चेक करने में, क्योंकि कुछ चीजें जल्दबाजी में गलत हो जाती हैं। हर टीचर से गलत हो जाती है, हर किसी से गलत हो जाती है। तो जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें मैंने देखा है कि गलत उन्होंने करवाई गई है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस मत करना।
विश्वास करना आंसर की जब आएगी एनटीए ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इस वीक के अंदर आपकी जो आंसर की है वो डाल दी जाएगी, मुझे इतना कंफर्म है। एनटीए ज्यादा समय नहीं लेगा, एनटीए इतना लेट नहीं हो रहता। एनटीए ने कल ही डाटा जारी कर दिया कि कितने परसेंट बच्चे यहाँ पर कैंडिडेट और मेल एंड फीमेल के अंदर कितने बच्चे थे, कितना होता, कल ही उसने जारी कर दिया है। और अभी जो बच्चे कह रहे हैं कि मेरे 89 ठीक हैं, 95 ठीक हैं, वो रिजल्ट आने के बाद वो प्रजातियां लुप्त हो जाती है। जो 95% की प्रजाति होती है ना, कि मेरे 95% ठीक हैं 100 में से, जब रिजल्ट आता है तो ये प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। फिर एक नए उभर कर जो बच्चे ये कहते हैं कि मेरे 68 और 70 इसके अंदर रहते हैं, फिर उन बच्चों का हमें नाम देखने को मिलता है लिस्ट के अंदर। सीईटी जब प्री हुआ था, जब भी यही बात हुई थी कि सर मेरे 82 ठीक है, मेरे 95 ठीक है, मेरे 89 ठीक है, पता नहीं उनको कौन सी, तो वो किताब पढ़ते हैं और पता नहीं किस आंसर की से वो चेक करते हैं कि इतनी चीजें उनकी ठीक हो जाती है। चलो रेयर चांस, एक एग्जेम्पशंस तो होती हैं, अपवाद स्वरूप होता है कि मान लो 1000 बच्चों में से 10 बच्चे निकल गए, 1000 बच्चों में से 10 निकलना रेयर चांस होता है, 10 तो मैं हाईएस्ट मान रहा हूँ, 5 ही बच्चे ऐसे मानता हूँ 1000 में से जो 95% ठीक करेंगे, एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो आंसर की होगी उसके रिगार्डिंग एनटीए की। हमारे आसपास भी ऐसे बच्चे हैं, मैं खुद जब आ रहा था तो मुझे बहुत सारे बच्चे वहां से, जब मैं निकल रहा था एग्जाम हॉल से, तो ये बातें कहते हुए मिल रहे थे कि क्वेश्चन पेपर बड़ा आसान है, क्वेश्चन पेपर, अरे 10% आपको हरियाणा जी की आ गई, क्या पेपर आसान हो गया? इंग्लिश किसको आती है? किसी को नहीं आती उसमें, ठीक है। और हरियाणा जीके थी, नेशनल जीके में नाट्य शास्त्र के बारे में किसे पता है? नाट्य शास्त्र कौन पढ़ता है? किसी ने नहीं पढ़ा। संभागों के बारे में ऐसी चीजें नहीं पढ़ते, जो चीजें आती है वो भी गलत हो जाती है कहीं, तो घबराओ मत। एग्जैक्ट जो मैं कट ऑफ की अगर मैं आज ही बता देता हूँ, जिसके 68+ हैं और 72 के आसपास, ये क्वेश्चन है, रेयर चांस होगा 78 72 जाने का, रेयर चांस। मोस्टली अगर आपके 65 क्वेश्चन ठीक है ना, 65+ क्वेश्चन ठीक है, तो आप तैयारी कर लीजिए, आपका डीवी आएगा और आप फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर भी आएंगे। क्योंकि जब सीईटी प्री हुआ था तो प्री में कह बोल रहे थे कि मेरे 80 ठीक, 90 ठीक, वही लिस्ट जो गई थी वो 65 पर लिस्ट गई थी, जिसके अंदर 32,000 बुलाए गए थे मेंस के लिए। तो उसी तरह से अभी 13,000 का फोर टाइम बुलाएंगे तो 54,000 के आसपास पूछे जाएंगे, 54,000 में। थैंक यू सो मच मैम, वेरी गुड, वे ओके बाय अंजलि। जज्बा कायनात बदल दी अंजलि ने, देख दी अच्छे खासे एक पुरुष से महिला में परिवर्तित कर दिया आपने। चलो बाय अंजलि मैन, बाय। तो आप घबराना मत, अच्छा आपका पेपर हुआ का उम्मीद करता हूँ, और ज्यादा टाइम माइंड के ऊपर बर्डन नहीं लेना है। जब वो पेपर हो चुका है तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया, अब उसको ना तो बदला जा सकता है ना ही हम कोई बदल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि आने वाली आगे जो चीजें होंगी, आगे जो एग्जाम आएगा उसके अंदर आप अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। अभी बहुत सारी भर्तियां हैं, माइंड के ऊपर स्ट्रेस मत लो, ग्रुप सी की है और आने वाला सीईटी है और हरियाणा पुलिस और हरियाणा सब इंस्पेक्टर, काफी सारी भर्तियां हैं। ठीक है, इसके 65 क्वेश्चन ठीक हैं, 65+ और 65-, भी 60 से 65 इतने क्वेश्चन जिसके हैं, वो अपनी तैयारी रखे, उसका डीवी पक्का आएगा।
तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ कुछ नए तक। हाँ मेरे रिजल्ट तो चेक भी नहीं किया कितने मार्क्स बने हैं। कोई बात नहीं, मैं ना अभी आंसर की आ जाएगी थोड़े टाइम बाद, तब चेक कर लेंगे। बस बड़ी अच्छी बात है, जो हो गया हो गया, बस इतना ध्यान रखो, एग्जाम दिया माइंड पे फ्री हो जाओ। तो क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।